हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरुकुल। गाइस, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फ्लेमिंगो की सेकंड पोयम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर। गाइस, पोयम हमारी बेस्ड है कुछ ऐसे बच्चों के ऊपर जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, जो अपना फूड अरेंज करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, जो प्रॉपर फूड ना मिल पाने की वजह से वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन का शिकार होने की वजह से वो एकदम इतने ज़्यादा अजीब से लगते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक, एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप के बच्चे वो हमें दिखते हैं। पोएम में हमें डिस्कस किया गया है एक लॉन्ग गर्ल के बारे में। लॉन्ग गर्ल जो है वो काफ़ी लंबी है, वो अपना हेड डाउन कर बैठी हुई है। हेड डाउन करने की वजह से वो जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, या तो या उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉपर बैठ नहीं पा रही है, या वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से इतनी ज़्यादा दब चुकी है कि अब वो सीधी बैठ भी नहीं सकती। उसके बाद गाइज, एक पेपर बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन है। पेपर बॉय एक ऐसा बच्चा जो एकदम पेपर की तरह पतला है और काफ़ी सारी उसको बीमारियां हैं। शायद हो सकता है कि पेपर जो उसको बीमारियां हैं उस पेपर बॉय को, वो उसके पेरेंट्स से ही उसको मिली हो। पेपर बॉय की आईज जो है बिल्कुल रेड की तरह आईज, मतलब वो जिस तरीके से चूहा आपने देखा होगा, चूहा जो होता है वो बिल्कुल इस तरीके से ताक में रहता है कि मुझे कहीं से खाना मिले, मैं फटाफट भाग के जाऊं और उस खाने को खा लूं। इसी तरीके से जो चूहे का कंपैरिजन किया गया है उस बच्चे के साथ, वो बच्चा भी अपना उस ताक में है कि कैसे करके मुझे ऐसा कुछ मिले जिससे कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं। मतलब वो बिल्कुल चूहे वाली नज़रों से अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा है। या फिर हम लोग एक और इसमें कह सकते हैं कि उसको प्रॉपर फूड ना मिल पाने की वजह से वो इतना ज़्यादा वीक है कि चूहे की तरह उसकी आईज जो है वो बाहर आ चुकी हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन है एक छोटे बच्चे का जो विंडो से बाहर देख रहा है, एक गिलहरी को देखता है। वो गिलहरी को बाहर खेलते हुए देखता है तो उसे वो अपना होप करता है कि कब मैं इस अंधेरे से बाहर निकलूँगा और मैं कब बाहर जाकर खेलूँगा। वो खेलना चाहता है पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो भी नहीं खेल पा रहा। वो उस अंधेरे में इतना ज़्यादा घूम चुका है, इतना ज़्यादा खो चुका है कि वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता। सेकंड स्टैंजा में डिस्क्रिप्शन है क्लासरूम का। क्लासरूम इतना ज़्यादा गंदा है कि जिस तरीके से वहाँ के बच्चों को इग्नोर किया जाता है, सेम उसी टाइप से उस क्लासरूम को भी इग्नोर किया जा रहा है। वहाँ पर पेंट तो हुआ है, ग्रीन कलर में पेंट है। उस पेंट पे भी उन लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है, जो बच्चे इस चीज़ को देखकर इतना तो समझ ही रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन भी सिर्फ उन लोगों के बारे में है जिसने वो स्कूल बनाने में जो भी डोनेट किया, जो भी पैसे दिए, उन सब लोगों का ही वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। शेक्सपियर की वहाँ पर एक वॉल पर तस्वीर लटकी हुई है, एक फ़ोटो लटकी हुई है। शेक्सपियर की फ़ोटो जहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर बच्चों को उस फोटो से कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को फ़ोटो से मतलब इसलिए नहीं है ना, क्योंकि उसको बच्चों को ना इस चीज़ के बारे में बताया जाता, और अगर बताया जाए तो बच्चे उसके बारे में सुने और उसके बारे में इंटरेस्ट लें, पर सिर्फ वो उनके लिए एक फ़ोटो ही है। साथ ही वहाँ पर एक मैप भी लटका हुआ है। मैप के बारे में भी बच्चों को कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि बस वो एक मैप है, वो भी उनकी तरह से एक पिक्चर की तरह ही है। बच्चों का जो दुनिया है वो उस क्लासरूम में ही और उस आसपास के एरिया में ही सिमट कर रह गई है। उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली कि इस दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, कि उनके अकॉर्डिंग बस यही है कि ये जिस हम एरिया में रह रहे हैं वही बस हमारी लाइफ है, वहीं पर हम लोगों को रहना है, यही हम लोगों का बर्थ हुआ है, यहीं पर हम लोग की डेथ हो जाएगी। पर रियलिटी से वो अभी तक फेस किया ही नहीं है उन लोगों ने। उसके आगे ना वो कुछ जानते हैं और ना वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े हैं उन्हें उस चीज़ के बारे में बताना ही नहीं चाहते। लास्ट में गाइस, पोएट जो है वो वहाँ के गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर वगैरह से सबसे बात करना चाहती है कि आप प्लीज़ एक बार इस एरिया में आइए और आकर देखिए कि किस बुरी कंडीशन में ये लोग बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन में है, प्लीज़ इन्हें हेल्प कीजिए, ताकि जैसे हम लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं वैसे ये लोग बच्चे भी अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें। गाइज, आप देखोगे बच्चे जो है
बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस पोएम में आपने देखा अभी, और आप नॉर्मली भी देखोगे कि बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं। और पता नहीं हमारे इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से, खाना ना मिल पाने की वजह से इस चीज़ से सफ़र करते हैं। हम लोग एज अ ह्यूमैनिटी के नाते हम लोगों का इतना हक तो बनता ही है, जो चीज़ें हम लोग खामखा बेकार चीज़ें समझकर फेंक देते हैं वो हम लोग फेंक ना फेंक कर हम लोग किसी को ऐसे यूज़फुल चीज़ें किसी को दे, किसी के वो यूज़ में आए। सो गाइज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चीज़ों को ख़राब मत किया कीजिए। अगर आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग वो ख़राब है तो किसी ऐसे को दे दीजिए जो उसके काम आ सके। सो गाइज, ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा, और आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा। एंड अगर आपने इसको अच्छे से सुना होगा और इसको अच्छे से पढ़ा होगा, सो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है इतनी आपसे कि आप जो है अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो एग्ज़ाम में अटेंड करने के लिए बहुत ईजिली कर पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।